अब समाचार विस्तार से। स्कूल शिक्षा परिवार ब्लॉक किशनगढ़वास की ओर से कस्बे के खैरतल रोड पर स्थित महावर धर्मशाला में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिवार की ओर से वोट बैंक यात्रा का स्वागत किया गया। संरक्षक कृष्ण गांधी एवं अध्यक्ष कृष्ण खैरिया एवं किशनगढ़वास स्कूल शिक्षा परिवार की टीम ने यात्रा का स्वागत किया। वहां पर मौजूद शिक्षकों व बच्चों को कहा कि सरकार द्वारा निजी स्कूल के बच्चों स्टाफ व स्कूलों को दी जा रही विभिन्न सुविधाएं अब वापस ली जा रही हैं, जिन्हें उन्हें प्राप्त करने हेतु वोट बैंक यात्रा पूरे राजस्थान में शुरू की गई है। निजी स्कूल संचालक नवेद फारूकी ने बताया कि जिले में यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। वोट बैंक की यात्रा किसी भी राजनीतिक पार्टी के विरुद्ध नहीं है। इसका उद्देश्य निजी स्कूलों के स्टाफ, अभिभावकों व संचालकों को एकत्रित करना है। हम उस पार्टी का सहयोग देंगे जिस पार्टी ने अपने चुनाव में घोषणा पत्र में निजी स्कूलों के बच्चों को सामान्य सुविधाएं, अध्यापकों को बीमा, अनुभव प्रमाण पत्र व अन्य सुविधाएं मुहैया करवाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने निजी स्कूलों में सरकारी स्कूलों के बीच में गहरी खाई पाट दी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सरकार विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों पर 80,000 रुपए प्रति बच्चे पर खर्च कर रही है, जबकि निजी विद्यालयों में अध्ययन करने वालों पर 1 रुपया भी नहीं। इस प्रकार सरकार नाम पत्र का निःशुल्क लेकर सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को मेडिकल बीमा पेंशन देती है, उसी तरह निजी स्कूल के अध्यापकों को भी सुविधा दी जानी चाहिए। सरकार हमसे प्रति वर्ष लगभग 7 करोड़ रुपए लेती है, तो छोटे स्कूल के संरक्षक के लिए प्राइवेट स्कूल कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। विधायक कोटे के भवन की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। इस मौके पर वीरेंद्र सोनी, SP खुराना, नवेद फारूकी, जगत सिंह सोनी, भूप सिंह, मनोज शर्मा, शीश राम यादव, फूल सिंह, अविनाश सैनी, देवेंद्र गांधी, गोपी चंद, महेंद्र जीत, पिंकी खुराना सहित स्कूली छात्र छात्राएं आदि मौजूद रहे। गैर सरकारी स्कूलों के बच्चों, उनके टीचर्स और संचालकों की मांगों को लेकर पिछले 4 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। अब चूंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, जहाँ उंगली की ताकत दिखाकर हम लोग अपनी मांगों को घोषणा पत्र में डलवाने के लिए इस तरह की यात्राएं कर रहे हैं। हमने इस यात्रा का नाम वोट बैंक यात्रा दी है, जो राजस्थान के 106 विधानसभा क्षेत्रों में जा रही है। यहाँ प्रत्येक विधानसभा में कम से कम 10,000 वोटों का एक बैंक बनाने का हमने लक्ष्य रखा है। हम उस दल का समर्थन करेंगे जो दल हमारे मांगों को घोषणा पत्र में डालेगा और सरेआम अनाउंस करेगा। मतदाता जागरूकता स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय इसरोदा के प्रांगण में पंचायती स्तर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत इसरोदा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खेलकूद प्रतियोगिता में छात्रों की दौड़, छात्राओं की दौड़, रस्सी कसी, कबड्डी, छोटे बच्चों की बोरी दौड़ तथा मतदान संबंधित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रस्सी कसी में सीमा ग्रुप विजेता, मोनिका ग्रुप उप विजेता, कबड्डी में देशपाल 12वीं कक्षा ग्रुप विजेता, आशीष 12वीं कक्षा ग्रुप उप विजेता, छात्रा दौड़ सीनियर में सिमरन प्रथम, जूनियर में अनामिका प्रथम, छात्राओं की दौड़ में देशपाल प्रथम, सचिन द्वितीय, बोरी दौड़ में सागर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मतदान सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में अनिशा प्रथम, निशा द्वितीय, शिवानी तृतीय रही। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ सहित ग्रामवासी रामनिवास, कृष्ण, PO पंचायत समिति तिजारा पदमचंद, BDO सुशीला उपस्थित थी। कार्यक्रम के अंत में विजेताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समस्त खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन पंचायत समिति प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी नीलम यादव के नेतृत्व में शारीरिक शिक्षक कुलदीप के दिशा निर्देश व समस्त स्टाफ के सहयोग से सम्पन्न हुआ। अंत में विद्यार्थियों को फल वितरित किए गए। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर विधानसभा से तीसरी बार विधायक धीरज गुजर ने अपना नामांकन SDM अनीता के समक्ष पेश किया। गुजर ने अभी यह नामांकन कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में दाखिल किया है। धीरज गुजर ने 2008 में पहली बार जहाजपुर से ही अपना भाग्य आजमाया था, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। वहीं भाजपा ने अभी जहाजपुर विधानसभा से किसी को भी दावेदार घोषित नहीं किया है। नामांकन भरने के बाद विधायक धीरज गुजर ने बारादेवरा मैदान में सभा आयोजित की, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। दोपहर 3 बजे मुख्य बाजारों में निकला था। जगह जगह विधायक गुजर का स्वागत किया गया। विधायक गुजर ने कहा कि भाजपा शासनकाल में जहाजपुर के साथ सौतेला व्यवहार किया गया था, जहां पर किसानों का ना तो कर्जा माफ किया गया और ना ही किसी भी व्यक्ति को कोई सरकारी सुविधा मुहैया करवाई गई।
जिसके कारण मैंने सरकार के सामने जनता की आवाज़ उठाई थी। आज मैं उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि जनता मेरे साथ खड़ी रहेगी। जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर मैंने अपने विधानसभा चुनाव में विधायक पद के प्रत्याशी हेतु कांग्रेस पार्टी तरफ से नामांकन दाखिल किया है और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पूरे 5 साल के अंदर राजस्थान के अंदर किसानों ने आत्महत्या करी है, युवाओं ने बेरोजगारी का दस्त झेला है और जाजपुर के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सौतेला व्यवहार किया, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण कांग्रेस राज में खुली हुई कॉलेज को उन्होंने बंद कर दिया, यहाँ पर एक भी रोजगार का स्थायी संसाधन नहीं है, मेरे विधानसभा क्षेत्र के जो किसान थे उनका मुआवजा वसुंधरा सरकार खा गई और इन तमाम मुद्दों को लेकर हमने सड़क से लेकर सत्ता तक जो संघर्ष किया, उस संघर्ष के दम पर मैं जनता के बीच में झोली फैलाकर जनता का आशीर्वाद लेने के लिए उनके बीच में जाऊंगा। थानागाजी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का महिला मोर्चा जिला महामंत्री रूबी उपाध्याय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के साथ थानागाजी विधानसभा क्षेत्र में दौरा किया। राजगढ़ तहसील के गांवों का महिला मोर्चा जिला महामंत्री रूबी उपाध्याय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के साथ कई गाँवों का दौरा कर चाय पार्टी प्रोग्राम किया और माहौल को लेकर लोगों के बीच नब्ज टटोले और जाना कि लोगों का मन क्या है। वहीं उपाध्याय ने विधानसभा में चल रहे बाहरी प्रत्याशी का विरोध में भी गांव के लोगों से जाना कि आखिर लोगों का मन क्या है। लोगों का कहना था कि हमारी विधानसभा में कोई भी उम्मीदवार आए लेकिन क्षेत्रीय आए और जनरल का व्यक्ति आए जहाँ पर SC ST की सीट होती है। जब SC ST का ही उम्मीदवार होता है तो ऐसे ही जनरल सीट पर भी जनरल का ही उम्मीदवार होना चाहिए। वहीं उपाध्याय ने कहा कि भाजपा पार्टी महिलाओं को मौका दे रही है तो विधानसभा से अकेली महिला उम्मीदवार के तौर पर हूं। मुझे उम्मीद है कि राजस्थान का नेतृत्व वसुंधरा राजे कर रही है जो महिला है। वसुंधरा राजे महिलाओं को प्राथमिकता दे रही है। उपाध्याय ने कहा कि अलवर की 11 विधानसभाओं में करीब 2 महिला उम्मीदवार हो। जिस तरह से पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में 131 सीटों पर टिकटों का वितरण हुआ है, कई मंत्री विधायकों को टिकट पार्टी ने काटे हैं और स्थानीय युवाओं को मौका दिया है, तो थानागाजी विधानसभा क्षेत्र की जहां बात है, अभी तक थानागाजी विधानसभा में सीट का कोई अभी क्लियर नहीं हुआ है कि पार्टी किसको टिकट दे रही है, लेकिन यहाँ जो एक नारा चल रहा है कि स्थानीय कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाए, वो इसलिए क्योंकि थानागाजी विधानसभा एक ग्रामीण परिवेश में ढकी हुई है और यहाँ जो भी आज तक विधायक रहे हैं वो बाहर के रहे हैं, तो स्थानीय कार्यकर्ताओं की ये मांग है कि अगर कोई स्थानीय कार्यकर्ता को मौका मिलता है तो वो विधानसभा की हर छोटी बड़ी बातों को समझता है, मूलभूत आवश्यकताओं को समझता है, इसलिए मैं चाहूँगी कि पार्टी स्थानीय कार्यकर्ताओं को मौका दे ताकि वो स्थान चाहूँगी कि विकास कर सके और जीत हासिल कर सके। एक्चुअल में यहाँ पर जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है वो 0% है और हमारे यहाँ के सारे नागरिक हैं जो या तो कृषि से जुड़े हुए हैं या मजदूरी करके बाहर मजदूरी करके अपना पेट पालन करते हैं। तो हमारे जनता की यहाँ मांग है कि आने वाले जो भी उम्मीदवार आएंगे जीत करके आएँ, या हमारी जनता की मांग रही है कि यहाँ पर इंडस्ट्री एरिया हो और लोगों के लिए अधिकतम रोजगार के साधन और किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें बिजली कनेक्शन जो है वो और यूनिट की किफ़ायती रेट कायम हो, और लोगों का यही है ताकि ये ग्रामीण क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर जुझारू एक उम्मीदवार उभर करके आए जो जनता का समग्र विकास कर सके। जो हल्के फुल्के कार्यकर्ता है, हल्के फुल्का उम्मीदवार MLA से काम नहीं चलेगा। थानागाजी में तो स्ट्रॉन्ग MLA चाहिए और जो हम तो ये चाहते कि एक ये जनरल की सीट है, कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण दिया, आरक्षण में ST SC और सब जनरल को सबको बराबर के अधिकार दिए गए, उस संविधान की अनुपालना थानागाजी में भी होनी चाहिए, चूंकि जनरल की सीट है तो जनरल का उम्मीदवार में विजय श्री लेकर के आए, यही हमारा थानागाजी। थानागाजी विधानसभा क्षेत्र में पिछले विगत कई वर्षों से भारी उम्मीदवारों को मौका दिया जा रहा है, टिकट में देरी का शायद यही कारण है कि अब की बार स्थानीय की मांग यहाँ के नागरिकों ने और मतदाताओं ने बड़े पुरजोर तरीके से उठा रखी है, इस वजह से शायद टिकट में देरी हो रही है। मेरा तो यही मानना है कि अब की बार स्थानीय क्षेत्र के उम्मीदवार को, लोकल उम्मीदवार को, युवा को जो पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता है उसी को टिकट मिलना चाहिए, जिससे क्षेत्र का चौमुखी विकास हो। तो थानागाजी विधानसभा क्षेत्र है ये वास्तव में ग्रामीण परिवेश में है और बहुत ही पर्यटक स्थल यहाँ पर
है, सरिस्का सेंचुरी वर्ल्ड यहाँ पर है, लेकिन जिस तरीके से इनका विकास होना चाहिए उस तरीके से इनका यहाँ विकास नहीं हो पाया है। और पर्यटन की दृष्टि से भी कानागा जी विधानसभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ आमदनी का मूल स्रोत भी यही है, लेकिन आज तक भारी उम्मीदवार विजय होने की वजह से इन क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया गया है। मेरा तो इतना ही कहना है कि क्षेत्रीय युवा उम्मीदवार को मौका मिलना चाहिए, जिससे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास। लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के पूर्व प्रधान रहे सुकवत सिंह को टिकट मिला है। पार्टी ने तमाम अटकलों पर लगाम लगाते हुए लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के पूर्व प्रधान रहे सुकवत सिंह के नाम पर मोहर लगाकर उन पर भरोसा जताया है। सुकवंत को टिकट मिलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुकवंत के समर्थन में उनके निवास स्थान पर जाकर बधाई दी और पटाखे फोड़े। भाजपा के बयानों के नाम से मशहूर रामगढ़ विधायक ज्ञानदेव आहूजा का टिकट कटने के बाद क्षेत्रीय प्रत्याशी और भाजपा से लक्ष्मणगढ़ पूर्व पंचायत समिति के प्रधान रहे सुकवंत सिंह को टिकट मिला है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं सहित स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो रामगढ़ विधायक ज्ञानदेव आहूजा और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की राज्य में सरकार आने के बाद तनातनी रही थी और आहूजा भी सरकार के खिलाफ बयान देते रहे। आपको न्यूज 24 की तरफ से बहुत बहुत बधाई। अब हम रामगढ़ विधानसभा से हमारे प्रधान जी को टिकट मिला है, उनके घर पहुंचे हैं। आप जैसा कि आपको दिख रहा है कि उनके समर्थक काफ़ी संख्या में उनको बधाई देने के लिए पहुंचे हैं, तो प्रधान जी आपको टिकट मिला है, आप किस प्रकार महसूस कर रहे हो और क्या कहना है आपका? सबसे पहले मैं सारे शीर्ष नेतृत्व को जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके मुझे टिकट दिया है उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये रामगढ़ सीट एक बहुत ही हॉट सीट बनी हुई थी और सभी जो प्रदेश के पदाधिकारी थे, केंद्र के थे, उन सब ने मुझ पर विश्वास किया। सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद दूंगा और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं कार्यकर्ताओं के सहयोग से ये सीट उनके लिए जीत के विधानसभा में पहुंचूंगा। और आप अपने कार्यकर्ताओं और साथियों से इसके माध्यम से संदेश देना चाहोगे? मैं कार्यकर्ता से यही कहना चाहूँगा कि सही मायने में वो सभी विधायक बनेंगे, सब मिलकर एक टीम वर्क के रूप में हम काम करेंगे और मैं अपेक्षा करता हूं सभी कार्यकर्ताओं का कि ये बहुत बड़ा काम है, सब मिलजुल कर ही इस काम को पूरा करेंगे। और कल से सबको मैं आह्वान करता हूं कि एकजुट होकर बिना किसी की परवाह किए, बिना किसी के कहे अपने काम में जुट जाएं, क्योंकि बहुत बड़ा काम है। किसी के सब जुटेंगे तभी ये काम पूरा हो पाएगा और हम विधानसभा में पहुँचें, जिससे गोविंदगढ़ क्षेत्र को, रामगढ़ क्षेत्र को वहाँ प्रायोरिटी मिले। और मेरा यही सबसे कहना है कि सभी विधायक बनेंगे, मैं अकेला विधायक नहीं बनूंगा। से टिकट प्रत्याशी सुखवंत सिंह जी के निवास में पहुंचे हैं और वहाँ पे देख रहे हैं हजारों की संख्या में समर्थक वहाँ पे मौजूद हैं। हम उनके समर्थकों से बातचीत करेंगे कि उनको देखा कि जैसा जा रहा है कि उनके समर्थकों में बहुत खुशी जाहिर है। हम समर्थकों से बातचीत करेंगे कि उनको इसको लेकर कितनी खुशी है और प्रधान जी का क्या माहौल है, क्या नहीं है। अपने आप प्रधान जी को टिकट मिला है, इसको लेके आपके यहाँ पे क्या चल रहा है? इतनी खुशी है साहब, बहुत खुशी है हमारे लिए और हम इसको जिता के जरूर जयपुर भेजेंगे। आपका क्या कहना है इस बारे में? हमारा कहना यह है कि जो सपना रामगढ़ विधानसभा और गोविंदगढ़ की जनता बड़े सालों से देख रही थी, आज उस सपने को पूरा करने का वो वक्त आ गया है कि हमें भाई सुखवंत जी को एक भारी बहुमत से जिताकर विधानसभा में भेजकर अपने इस ग्रामीण इलाके की आवाज़ विधानसभा तक पहुंचानी है, क्योंकि रामगढ़ विधानसभा, गोविंदगढ़, अन्य पूरा क्षेत्र कई सुविधाओं से, मूल सुविधाओं से इस क्षेत्र वंचित है। तो हमारे यहाँ की पूरे प्रजातंत्र ने हमारे भाई सुखवंत सिंह जी को बहुत भरोसा जताया है और हम धन्यवाद करेंगे हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का, जिन्होंने हमारे क्षेत्र से श्रीमान भाई सुखवंत सिंह पर विश्वास जताकर हमारी जनताओं के सपने पूरे करने का हमें एक दायित्व दिया है। और हम ये संकल्प कर रहे हैं कि हम भाई सुखवंत जी को भारी बहुमतों से विजय करवाकर और अपने दुख की आवाज़ जयपुर विधानसभा तक पहुँचाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो मैं खुशी का माहौल है क्योंकि अब की बार पहली बार क्षेत्र के किसी न किसी भाजपा कार्यकर्ता को टिकट मिला है, नहीं तो हमेशा बाहरी प्रत्याशी को टिकट मिलता था जो हवाई फायर की तरह होते थे, सिर्फ चुनाव में आते थे और उसके बाद चले जाते थे। अब हम और भी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं और स्थानीय समर्थक हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि वो किस प्रकार महसूस कर रहे हैं, क्या कहना आपके बारे में?
अभी जो हमारे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बहुत हॉट सीट है, जो राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक मेवात अंचल का, ब्रज मेवात का क्षेत्र है, इसलिए हर बार यहाँ जो एमएलए प्रत्याशी आते हैं वो बाहर के आते हैं, जिससे क्या है यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं हो पाता, जैसे शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर। इस बार माननीय मुख्यमंत्री श्री वसुंधरा जी राजे और माननीय प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र जी मोदी जी ने हमें जो विश्वास देकर ये गोविंद रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लोकल प्रत्याशी हमें जो दिया है, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी जो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जो मुख्य समस्याएं हैं उन सभी का समाधान होगा और सारी समस्याएं दूर की जाएंगी। कहीं ना कहीं देखें तो हर कार्यकर्ता ग्रामीण में यही जोश है कि अब की बार हमारे लोकल प्रत्याशी क्षेत्र उम्मीदवार को टिकट मिला है, जो हर सुख दुख में हमारे साथ काम आएगा। गोविंदगढ़ से कृष्णा सोलंकी। रामगढ़ विधायक ज्ञानदेव आहूजा का टिकट कटने से युवाओं में उत्साह देखने को मिला। वही लोगों ने कहा कि टिकट कटने का कारण विकास का मुद्दा वे विवादित बयान रहे। रामगढ़ विधानसभा सीट से 10 वर्षों से भाजपा के प्रत्याशी ज्ञानदेव आहूजा रामगढ़ विधानसभा की सीट पर अपना हक बनाए हुए थे। इस बार पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनकी जगह पर एक नए चेहरे के रूप में सुखवंत सिंह, पूर्व प्रधान लक्ष्मणगढ़, को इस बार मैदान में उतारा है। जब हमने कस्बे के युवा कार्यकर्ताओं से इस बारे में पूछा तो उनका साफ कहना था कि ज्ञानदेव आहूजा का टिकट कटने का कारण उनके द्वारा सरकार के खिलाफ विवादित बयान व क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं कराने का मुद्दा सबसे मुख्य रहा। वहीं लोगों ने कहा कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ गाय की राजनीति हुई और रामगढ़ विधानसभा में विकास नहीं किया। वहीं लोगों ने कहा कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में गाय पर राजनीति हुई थी, विकास न कराकर हिंदुत्व की राजनीति की और सरकार के खिलाफ बयानबाजी करना, इसी कारण उनका टिकट कटा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक शेखावत है। ये जो ज्ञानदेव आहूजा जी का भारतीय जनता पार्टी से टिकट काटा गया, इसका क्या कारण रहा है? भारतीय जनता पार्टी से जो ज्ञानदेव आहूजा जी का जो टिकट काटा है, इसका मुख्य कारण तो रहा है विकास। उन्होंने यहाँ पर कुछ भी विकास नहीं करवाया और विकास की जो परिभाषा है वही चेंज कर दी, यानी विकास क्या सिर्फ कागजी विकास हुआ है। और दूसरा कारण ये है कि वो विगत 5 सालों से अपने ही सरकार के बारे में अनाप शनाप विवादित बयान देते रहे हैं, इसलिए शीर्ष नेतृत्व ने उनका टिकट को काट दिया और नए उम्मीदवार सुकंद जी को टिकट दिया। ज्ञानदेव आहूजा जी का जो टिकट काटा है भारतीय जनता पार्टी ने, इसका क्या कारण रहा है काटने का? वर्तमान विधायक ज्ञानदेव आहूजा जी का टिकट कटने का सबसे बड़ा फैक्टर रहा कि वो पूरे 5 साल सांप्रदायिक एक्टिविटियों में शामिल रहे, जो जनता ने उनको 75,000 वोट देकर के मोदी जी के उस फैक्टर में जिता करके विकास के लिए भेजा था, लेकिन वो विकास कराने में बिल्कुल असक्षम रहे। पूरे 5 साल हिंदूवाद मुस्लिमवाद में उलझाकर जनता को रखा और जिन पैमानों पर रामगढ़ को विकास के लिए आगे बढ़ना था वो पूरे पैमाने नहीं कर पाए और क्षेत्र की जनता में हर सर्वे में उनको जो है नकारा गया, जनता ने नापसंद कर दिया। और उसी के साथ साथ इन्हीं काफी सारे कारण रहे हैं जिनकी वजह से ज्ञानदेव जी को रामगढ़ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने नकार दिया। टीम अब की बार क्षेत्रीय उम्मीदवार का संयोजक रामगढ़ विधानसभा में अंतिम 25 सालों से हो रहे हिंदू मुस्लिम और गाय पर राजनीति हो रही थी, जिससे रामगढ़ विधानसभा पूरी तरीके से धैस नहस हो रहा था, विकास का नाम नहीं था यहाँ, बस हिंदू और मुस्लिम के नाम पर जो राजनीति हो रही थी उससे रामगढ़ अब उभर गया है। ज्ञानदेव आहूजा माननीय विधायक जो लगातार 10 साल से हैं, उन्होंने विकास ना कराते हुए बस हिंदुत्व के बयानबाजी, सरकार के खिलाफ बयानबाजी, मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी, बस बयानों में आना, जेएनयू गिनना, कभी किसी पर बयान देना, इनके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। इसी के कारण पार्टी ने रामगढ़ विधानसभा की उठ रही मांग अब की बार क्षेत्रीय उम्मीदवार को देखते हुए सुखवंत पूर्व प्रधान को टिकट दिया। इससे ये सिद्ध होता है कि अब रामगढ़ विधानसभा गाय और हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर विकास की ओर बढ़ रही है। आगामी 7 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस द्वारा कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए फ्लैग मार्च निकाला। आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए रामगढ़ कस्बे के मुख्य मार्गों पर फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा शांतिपूर्ण मतदान करने का आह्वान किया। चुनाव के दौरान पुख्ता शांति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने हेतु रामगढ़ थाना प्रभारी चौथमल जाखड़ के नेतृत्व में रामगढ़ कस्बे के मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला तथा क्षेत्र में शांति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया गया। आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस तत्पर है।
फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस थाना रामगढ़ पुलिस के स्टाफ ने कस्बे के मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला। विधानसभा चुनाव को देखते हुए आरओ स्तर पर मशीन तैयार की जा रही है, जिसमें ईवीएम मशीनों की आरओ स्तर पर सीलिंग की प्रक्रिया व कैंडिडेट सेट करने के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। रामगढ़ पंचायत समिति की सभागार में विधानसभा आम चुनाव 2018 में प्रयुक्त होने वाली ईवीएम मशीनों की आरओ स्तर पर सीलिंग प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें नायब तहसीलदार नरेंद्र शर्मा, योगेश वशिष्ठ, प्रशिक्षक महेश तनेजा, दिनेश कुमार शर्मा, केदार चंद, सुरेंद्र मल्होत्रा इत्यादि मौजूद थे। आज एक प्रशिक्षण बुलाया गया है और विधानसभा चुनाव जो 2018 संपादित आम चुनाव जो संपादित होना है उसके लिए मशीनें तैयार की जा रही है। आरओ स्तर पे जिस प्रकार की सीलिंग की जाती है, कैंडिडेट सेट किया जाता है, उस संबंध में एक सघन प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षणार्थियों को इसके लिए दक्ष बनाया जा रहा है और इसका प्रशिक्षण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी और मशीन के माध्यम से भी प्रॉपरली देकर जो भी ऑल एमटीज हैं हमारे वो सारे के सारे इसके अंदर कार्य कर रहे हैं। 21 नवंबर को मनाए जाने वाला मुस्लिम पर्व ईद मिलादुल नबी के जलसे की तैयारी जोरों पर चल रही है। इसी के तहत जोधपुर में ईद मिलादुल नबी की जलसा समिति के अध्यक्ष हाजी हकीम बख्श व साथ में पुलिस अधिकारियों ने जलसे के रास्ते का जायजा लिया। गौरतलब है कि ईद मिलादुल नबी का पर्व पूरे देश में बड़े ही खुशी के साथ मनाया जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का दिन होता है। इसी कड़ी में जलसा जोधपुर के स्टेडियम से होकर बम्बा, हाथीराम का ओड़ा, घंटाघर, घास मंडी, सोजोति गेट, एमजेट होते हुए जालोरी गेट, ईदगाह जाकर संपन्न हुआ। इस मौके पर हाजी हकीम बख्श ने जलसे के रूट को देखा व पुलिस अधिकारियों को इस रास्ते में उत्पन्न होने वाली समस्याओं से अवगत कराया। आज समाचारों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।